चीन अपनी जिस BRI परियोजना को लेकर भारत को आंख दिखा रहा था, हाल ही में भारत में हुए G20 की बैठक में पीएम मोदी ने उसका काट ढूंढ निकाला है। भारत में हुई G20 की बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ। इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद अब चीन में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। चीन के BRI प्रोजेक्ट की तुलना में भारत ने जिस परियोजना पर काम करने का ऐलान किया है, उसका फायदा भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन समेत 8 देशों को होगा। इस परियोजना के माध्यम से 2 महाद्वीपों में फैला एक अंतर्राष्ट्रीय रेल और शिपिंग मार्ग एरिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसका फायदा इकोनॉमी को बढ़ाने में मिलेगा। G20 की बैठक के दौरान इस परियोजना पर सहमति बनी और इसमें शामिल देशों ने इस परियोजना पर काम शुरू करने का ऐलान किया। दिल्ली में हुए इस परियोजना के ऐलान के बाद अब चीन BRI पर काम तेज करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि BRI को लेकर चीन की मुश्किलें इसलिए भी बड़ी हुई हैं क्योंकि जिन देशों में चीन इस परियोजना का विस्तार करना चाहता है, उनमें से कई देश अब इससे पीछे हट रहे हैं। नेपाल में चीन की इस परियोजना पर काम अटका हुआ है, तो वहीं बलूचिस्तान के इलाके में भी स्थानीय लोगों के भयंकर विद्रोह की वजह से इसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको याद होगा CPEC में काम करने वाले कई इंजीनियर और चीनी कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान के इलाके में इस परियोजना के विरोध की वजह से चीन की चिंताएं बढ़ी हुई है। भारत जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करने का ऐलान किया है, उसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इससे भारत के साथ कई देश समंदर, सड़क और रेल के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों के साथ व्यापार बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। इस कॉरिडोर के रूट की शुरुआत समुद्री मार्ग मुंबई से होगी, उसके बाद फिर UAE से शुरू होकर अगला पड़ाव रेल के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन से इसराइल के हाफिया पोर्ट तक होगा। वहीं तीसरा हिस्सा हाफिया पोर्ट से ग्रीस से पेरिस होते हुए यूरोपीय यूनियन में प्रवेश करेगा। ऐसे में ये बात तो साफ है कि इससे भारत की दूसरे देशों से कनेक्टिविटी में कई गुना तक इजाफा होगा। जानकारी के लिए आपको बताएं तो चीन अपने BRI परियोजना को लेकर इसलिए भी चिंतित है क्योंकि चीन की इस परियोजना की दुनिया भर में कर्ज जाल के रूप में पहचान होने लगी है। बीते कुछ सालों में जिस देश ने भी इस परियोजना में निवेश किया, वो या तो दिवालिया हो गया या फिर दिवालिया होने के कागार तक पहुंच गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश हैं।